हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में और एक नए स्वाद के साथ में। आज मम्मी बना रही है करेले का अचार, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अचार बनाने की मम्मी एक मशीन है, फैक्ट्री है, एक तजुर्बा है मम्मी के पास में, तो वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी जो जो मम्मी बनाती है घर में। और डायबिटीज़ के लिए करेला खाना बहुत अच्छा है, तो इसलिए भी बनाना भी बहुत ज़रूरी था। करेला वैसे भी बनाते रहते हैं और अचार भी डाल दिया आपके बार, तो देखिए मम्मी ने बगैर छीले जो पक्के बीज थे वो निकाल दिए हैं और इनके बीज से इसे कर लिए हैं। तो जी देखिए, बिल्कुल मम्मी आपकी मर्ज़ी, चाहे गोल काट लो चाहे लंबा, वो आपकी मर्ज़ी है। जो पक्के बीज थे वो निकाल दिए, कच्चे वाले बीज मम्मी ने निकाले नहीं हैं। तो कम से कम मम्मी ने 1 किलो के करीब करेले ले लिए हैं। इनको पहले धो लिया था पूछ के और अब इनके हिस्से कर दिए हैं। तो जैसे भी करेले का अचार अगर ऐसे होता है, शाम को अगर इनको नमक लगा तो सुबह डालना होता है, सुबह नमक लगाएंगे तो शाम को, तो अभी शाम हो रखी, मम्मी नमक लगा दिया है इनमें। कम से कम 8 चम्मच डलेगा नमक, 1 किलो करेले में 8 चम्मच ये डल जाएगा नमक। और इनको ढक के रख देंगे, पूरी रात तक ये दबे रहेंगे नमक के अंदर। और फिर सुबह जो इसकी प्रक्रिया होगी वो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ये मजाक नहीं है, ये मैं रियलिटी बताती हूँ कि जो जैसी मम्मी अचार डालते हैं वैसे डालो तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहती हूँ। तो जी ये सुबह की प्रक्रिया है अचार डालने की। तो जी ये है सौंफ और साबुत धनिया, और इधर है 50 ग्राम मेथी। सौंफ और साबुत धनिया लिया है 25-25 ग्राम, और 50 ग्राम मेथी ले ली। तो इनको हमने पहले भाई सुखाया था थोड़ा सा, और फिर ठंडा होने के बाद इनको मैंने पीस दिया है। तो मेथी को बिल्कुल फाइन करना है, और जो ये सौंफ और साबुत धनिया है इसको हल्का सा दरदरा पीसना है। तो ये 3 मसाले तो मेरे रेडी हो गए हैं, तो देखिए ये आपको मैं दिखा रही थी। तो जी ये हो गए मेरे मसाले रेडी इधर, और इधर मम्मी ने नींबू का रस भी निकाल दिया है, क्योंकि नींबू भी चाहिए होता है इसके अंदर बहुत सारा। ये सौंफ थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी, तो ये मैंने पहले पीस ली थी, इसलिए 25 ग्राम टोटली सौंफ और 25 ग्राम साबुत धनिया है। तो जी देखिए ये मेरे हैं करेले, तो मम्मी अब आपके सामने करेगी आगे प्रक्रिया। तो जी ये है साबुत राई, काली वाली जो पई होती है वो राई, इसको हल्का सा भून रही हूँ। ये 10 ग्राम है बस, और 10 ग्राम ही है साबुत जीरा। तो इन दोनों को मेरे को अभी थोड़ा सा सेकना है, और थोड़ा ठंडा होने के बाद साबुत राई और साबुत धनिया दोनों को गर्म करके, ये 10-10 ग्राम लिए मैंने दोनों चीज़ें, इनको मैं फिर ठंडा करने के बाद इनको थोड़ा सा मैं पीस दूँगी, तो इनका भी पाउडर बना दूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी अभी मैं इनको पाउडर बनाने के बाद। तो इसमें मिक्सी में डाल दिया, तो पाउडर बना के मैं ला जी। आइए आपको मसाले दिखाती हूँ। 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम कलौंजी, ये भी 10 ग्राम लाल मिर्ची है, ये वो धनिया और सौंफ जो मैंने आपके सामने 25-25 ग्राम पीसे थे, ये है राई पीली वाली, और ये है मेथी जो आपके सामने मैंने बताया था, राई है 25 ग्राम। तो ये सारे मसाले मेरे रेडी हो गए हैं, और ये आपके सामने मैंने जीरा और सरसों जो मैंने पीसी थी 10-10 ग्राम है ये। तो ये सारा मेरा मसाला रेडी हो गया है जो इसके अंदर जाएगा 1 किलो करेले के अंदर। ये नमक, तो जी अब मम्मी सारे मसाले जैसे मिला देगी, और अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसके अंदर मम्मी ने जो करेले भाई भिगोए थे रात को नमक के अंदर जो दबाए थे, इन्होंने पानी छोड़ दिया है खूब अच्छे से, तो पानी तो अभी नहीं डालेगी मम्मी, पहले करेले निकाल देगी इसके अंदर से, सारे करेले निकाल देगी। और निकालने के बाद जैसे भाई इनको ऊपर नीचे करके सारा पानी करेले में लग जाएगा, तो इससे नमक अच्छे से जो मसाला है अच्छे से चिपक जाएगा सारे करेले के ऊपर। तो जी देखिए ये मम्मी ने निकाल दिए सारे करेले, और अब जो प्रक्रिया है वो अब पता ही है कि जितना भी ये सारा मसाला है इसके ऊपर कोट कर देगी मम्मी, खूब अच्छे से मसाला मिला देगी। लेकिन ये भाई एक बात बोलूँगी, अचार तब भी डाल तब बड़ा बर्तन लेना चाहिए, मम्मी ने ले ली थी छोटा सा ही था ये, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो बड़ा बर्तन लेना चाहिए। तो ये देखिए अब मम्मी खूब अच्छे से इनको मिला देगी, और मिलाने के बाद फिर इनको डब्बे में मम्मी पैक कर देगी, क्योंकि डब्बे में डलने के बाद ही तभी अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि मम्मी ने छोटा बर्तन ले लिया था इसलिए इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी।
और जी देखिए मम्मी ने जैसे अभी मसाला चढ़ा हुआ चढ़ा दिया है इनके ऊपर, और अब जो ये नीचे वाला पानी है जो वही करेले भिगोए थे, नमक ने पानी छोड़ दिया है खूब अच्छे से, तो ये सारा पानी मम्मी अब इसके ऊपर से डाल देगी ताकि सारा मसाला चिपक जाए करेलों पे अच्छा से अच्छे से। देखिए अब मेरा हो गया रेडी बिल्कुल अचार, और अब इनको मम्मी मिला के थोड़ा सा और डब्बे में डाल देगी। प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, व्लॉग पूरे देख लिया करो, पूरे देख लिया करो, बहुत बार बोलती हूँ लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन अपना भी दिन आएगा, अभी बोलती हूँ फिर बाद में आप लोग भी समझ जाओगे। तो जी मम्मी ने अचार बना दिया है और अब डब्बे में डाल दिया है, डब्बा बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए डब्बे के अंदर, बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो इससे भाई पानी होगा तो अचार ख़राब होता है, सबको पता है पानी लगने से अचार ख़राब होता है। तो अब मम्मी ने डाल दिया सारा अच्छा ये क्या बोलते हैं करेले डब्बे के अंदर, और लास्ट वाली प्रक्रिया अब स्टार्ट होएगी, जो एक किलो करेले के अंदर 4 नींबू होते हैं रस भरे, मम्मी ने वो रस निकाल लिया था, और अब इनके ऊपर आराम से पूरी तरह चारों ओर से मम्मी जो नींबू का रस है ये फैला देगी। एक चीज़ और, अगर आपकी मर्जी है इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी डली को फोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ इसलिए नहीं, अगर डायबिटीज़ किसी के ना हो घर में तो आप अगर ये करेले का अचार डालो तो गुड़ भी डाल सकते हैं, ओनली छोटी सी पेड़ी उसको हाथ से तोड़ के डाल दो तो इसे बैलेंस अच्छा बन जाता है। तो जी अब लास्ट प्रक्रिया हमारी होगी, तेल जो उबाल के ठंडा कर रखा है वो मम्मी इसके ऊपर से डाल देगी थोड़ा सा, तो हमारा करेले का अचार 3 दिन के बाद खाने के लायक हो जाएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज बस ओनली करेले का अचार का ही बनाया मैंने, तो जी प्लीज़ व्लॉग पूरे देख लिया करो, आपसे बार बार बोलती हूँ, और आप ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे 3 दिन के बाद इसको फिर वही खाने के लायक हो जाता है। तो जी ये था मेरा व्लॉग, प्लीज़ बताना कैसा बना है और मेरे व्लॉग कैसे बनते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। तो जी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कोई नए व्लॉग के साथ में, तो प्लीज़ व्लॉग के लास्ट तक बने रहा करो, प्लीज़ देख लिया करो। तो जी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरी राम राम। Thank you.